तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस सलाम केम छो कसे काय तुम्ही वारलाच की कैसे आप, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। और आप लोग जो कि वडोदरा के टूरिस्ट प्लेस घूमना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोग। आज मैं घुमाने वाला हूँ वडोदरा में, पूरा टूरिस्ट प्लेस पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए। और वडोदरा का प्लान बनाते हो तो वडोदरा आते हो तो कौन कौन सी जगह वडोदरा घूम सकते हो, तो वीडियो पूरा देखें। और वडोदरा टूरिस्ट प्लेस विजिट करने के लिए कोई बाहर से आ रहा है उनके लिए जो कि तीन ऑप्शन अवेलेबल है। और पहला ऑप्शन है जो कि आने के लिए, जो कि हर छोटे बड़े शहर से मिल जाएगी आपके लिए, जो कि बस वडोदरा के लिए। और दूसरा ऑप्शन है जो कि ट्रेन है, जो कि हर छोटे बड़े राज्य से अवेलेबल है यहाँ वडोदरा के लिए ट्रेन, और आप लोग जो कि ट्रेन से भी आ सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है जो कि फ्लाइट है, और वडोदरा में भी एयरपोर्ट है यहाँ पर, तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो वडोदरा के लिए। और जो कि वडोदरा के लिए नहीं फ्लाइट मिल रही है तो आप आ सकते हो जो कि अहमदाबाद, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर, आप अहमदाबाद से आ सकते हो वडोदरा। और अहमदाबाद से वडोदरा जो कि 133 किलोमीटर है, और अहमदाबाद से आप लोग आ सकते हो जो कि ट्रेन से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो, जो कि दोनों चीज अवेलेबल है। और उसके बाद जो कि वडोदरा के टूरिस्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हो, और पहला नंबर है जो कि लक्ष्मी विलास प्लेस है। और इस प्लेस में जाने के लिए एंट्री फीस है जो कि 250 रुपए है 1% का। और इस प्लेस में जो कि बाहर बार फोटोग्राफर अलाउड है और अंदर फोटोग्राफर अलाउड नहीं है प्लेस में। लक्ष्मी विलास प्लेस की टाइमिंग जो कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चालू रहता है, और जो कि हर मंडे जो कि ये प्लेस बंद रहता है। वडोदरा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से इस प्लेस की दूरी है जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी है। और दूसरा नंबर है जो कि कीर्ति मंदिर है, और ये कीर्ति मंदिर जो कि वडोदरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कीर्ति मंदिर जो कि वडोदरा के सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की टाइमिंग जो कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहता है। ये कीर्ति मंदिर जो कि हर दिन चालू रहता है। और ये मंदिर जो कि दत्ता मंदिर है और कीर्ति मंदिर से पास में है। और तीसरा नंबर है जो कि साईजी बाग है जू, और यहाँ पर जो कि अलग अलग एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को। ये जो कि वडोदरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की दूरी है जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और इस जू की टाइमिंग है जो कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है ये जू, और बाद में बंद हो जाता है। ये जू जो कि थर्सडे डे बंद रहता है। और चौथा नंबर है जो कि बड़ौदा म्यूजियम पिक्चर गैलरी। ये म्यूजियम जो कि साईजी बाग के अंदर ही है, और म्यूजियम का एंट्री फीस अलग है, और टाइमिंग जो कि सयाजी बाग और म्यूजियम का एक ही टाइमिंग है। और पांचवा नंबर है जो कि इमा मंदिर टेंपल, और इस मंदिर में आने के लिए पहले से परमिशन लेना पड़ता है। और इस मंदिर की वडोदरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की दूरी है जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी है। ये मंदिर जो कि हर दिन चालू रहता है, और उसकी टाइमिंग है जो कि 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक है। छठा नंबर है जो कि सुर सागर लेक। वडोदरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की दूरी है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी है सुर सागर लेक की, और यहाँ पर जो कि बोटिंग भी होती है, और बोटिंग का टाइम है जो कि सुबह 9 बजे से शाम रात को 9 बजे तक चालू रहता है बोटिंग। और सातवां नंबर है जो कि हजीरा मकबरा, और वडोदरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की दूरी है जो कि 7 किलोमीटर की दूरी है। ये मकबरा जो कि प्रताप नगर में स्थित है। इस मकबरा में अंदर जाने के लिए फ्री ऑफ कोर्स है, और टाइमिंग जो कि सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक है, हर दिन चालू रहता है ये मकबरा। और आठवां नंबर है जो कि आतापी वंडर वाटर पार्क है। ये जो कि वडोदरा से 24 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो कि हर दिन चालू रहता है, और उसकी टाइमिंग है जो कि दिन के 11 बजे से रात के 7 बजे तक चालू रहता है ये। और यहाँ पर जो कि हर अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, इसको आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। अलग अलग टाइप का एक्टिविटी होती है यहाँ पर, और आप लोग जो कि यहाँ आओगे तभी मज़ा आएगा। और एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ पर जो कि हर अलग अलग एक्टिविटी का एंट्री फीस अलग अलग है यहाँ पर, और आप लोग जो कि यहाँ पर आते हो तो सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को।
और नौवा नंबर है जो कि जामी मस्जिद जो कि चापानेर में है, वडोदरा से लगभग जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पे है। उसकी टाइमिंग है जो कि सुबह 8 बजे से 6 बजे तक है शाम को, और हर दिन चालू रहता है ये मस्जिद। और चापानेर जाते हो तो वहाँ पर और टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर विजिट कर सकते हो आप, और वहाँ पर जो कि पावागढ़ के पहाड़ देख सकते हो आप और माता जी का दर्शन कर सकते हो। पावागढ़ हिल पे जाना चाहते हो तो आप रफवे से जा सकते हो, यहाँ पर रफवे भी चालू है यहाँ पर, और यहाँ पर कई टूरिस्ट प्लेस है आप विजिट कर सकते हो यहाँ पर। और जो कि दसवां नंबर है जो कि काटना बीच, और ये बीच है जो कि मही रिवर का बीच है, वडोदरा से लगभग दूरी है जो कि 18 किलोमीटर की दूरी है यो कि काटना बीच का। और काटना बीच पे जो कि आपके लिए जो कि बोटिंग भी चालू है और वहाँ पर अलग अलग फूड भी मिल जाएंगे आपके लिए, दो तीन एक्टिविटी अवेलेबल है वहाँ पर। और ये थे वडोदरा के 10 टूरिस्ट प्लेस और 7 टूरिस्ट प्लेस जो कि वडोदरा के अंदर है और 3 टूरिस्ट प्लेस जो कि वडोदरा के थोड़े बाहर है। हर अलग अलग टूरिस्ट प्लेस का अलग से ब्लॉग्स बना के रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।